तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोले यहाँ पे एसएससी जीडी फाइनल कटअप के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी का आपका जो फाइनल कटअप है वो यहाँ पे क्या रहेगा। भारत के हर एक राज्य का जो कटअप है कैटेगरी वाइज वो मैं आपको बताऊंगा, हर एक राज्य के कटअप की जानकारी दूंगा कि भारत के किस राज्य में क्या आपका कटअप रहेगा, क्या कैटेगरी वाइज कटअप रहेगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको कटअप के बारे में पूरी मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो आपका रिजल्ट है एसएससी जीडी का वो अगस्त के एंडिंग में, यानी कि इसी अगस्त के एंडिंग में या सितंबर के स्टार्टिंग में यहां पे आउट कर दिया जाएगा। और जैसे आपका रिजल्ट आउट होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैं आप बात कर लूं यहां पे कटअप के बारे में, तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का जो आपका कटअप गया है वो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 53 का गया है। तो फाइनल कटअप की बात करूं तो आपको बता दूं यहां पे फाइनल जो आपका कटअप है 56-57 के आसपास रहेगा, ठीक है, 56-57 के आसपास आपका रहेगा। ईडब्ल्यूएस का यहां पे दूसरा जो आपका कटअप गया है वो यहां पे 40 का गया है। और फाइनल में आपको बता दूं यहां पे 43-44 का कटअप रहेगा। आंध्र प्रदेश में एससी का 58 का गया है, फाइनल आपका कटअप 61 रहेगा। एससी का यहां पे दूसरा कटअप आपका 32 का गया है, फाइनल आपका 35 रहेगा। आंध्र प्रदेश में एसटी का यहाँ पे देख सकते हैं 62 का गया है, फाइनल में आपको बता दूं यहाँ पे 65 तक जाएगा। एसटी का यहाँ पे दूसरा कटअप आपका 32 का गया है, 35 तक जाएगा। ईएसएम का यहाँ पे 32 का गया है, 34-35 जाएगा। ईएसएम का दूसरा जो कटअप है 23 का गया है, 32 का गया है और 34-35 का यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के यहाँ पे ओबीसी के कटअप की बात करूँ 66 का यहाँ पे गया है और फाइनल आपका 71-72 जाएगा। ओबीसी का यहाँ पे दूसरा जो कटअप है 55 गया है और फाइनल में आपको बता दूँ 62-63 जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यूआर का यहाँ पे 72 गया और फाइनल आपका 76-77 तक जहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे यूआर के यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ पे अगला जो कटअप है यूआर का वो यहाँ पे 58 गया, 65-66 तक यहाँ पे फाइनल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लो अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का ईडब्ल्यूएस का 46 गया है तो फाइनल 46 ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का एससी का 47 गया, 47 ही रहेगा। एसटी का यहाँ पे 32 गया है, 34-35 तक जाएगा। एसटी का यहाँ पे आपको बता दूँ 32 का गया, 35 तक जाएगा। यूआर का यहाँ पे 48 गया है और फाइनल जो आपका है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लगभग यहाँ पे 51-52 जाएगा। यूआर का यहाँ पे 62 गया है, फाइनल यहाँ पे 65-66 तक यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे असम की बात करूँ तो असम में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 52 का है, 56-57 तक जाने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस का दूसरा कट ऑफ यहाँ पे 56 का है तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे 62-63 तक यहाँ पे जाएगा। एससी की बात करूँ यहाँ पे 56 गया, 58-59 तक फाइनल रहेगा। एससी का यहाँ पे फिर दूसरा जो कट ऑफ है 59 का गया है तो यहाँ पे फाइनल आपको बता दूँ 62-63 तक यहाँ पे जाएगा। एसटी का यहाँ पे कट ऑफ 57 का गया है असम का, तो यहाँ पे फाइनल जो आपका रहेगा वो यहाँ पे 60-61 रहेगा। एसटी का यहाँ पे दूसरा जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 60 का गया है, फाइनल आपका 64-65 रहेगा। ईएसएम का आपको बता दूँ यहाँ पे 35 का गया है, फाइनल आपका 36-37 यहाँ पे रहेगा। ओबीसी का मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 58 का गया है तो फाइनल आपका ओबीसी का यहाँ पे 62 तक यहाँ पे रहेगा। ओबीसी का दूसरा यहाँ पे 62 का गया है, फाइनल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 67-68 तक यहाँ पे जाएगा। यूआर का यहाँ पे 63 गया है तो फाइनल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कम से कम भी आपका जो फाइनल है वो यहाँ पे 65-66 तक यहाँ पे जाएगा। यूआर का आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो है असम का वो यहाँ पे 69 का गया है, फाइनल आपका आपको बता दूं यहाँ पे 75-76 तक यहाँ पे जाएगा। अब बिहार की बात करूँ यहाँ पे 96 का गया है ईडब्ल्यूएस का और 100 यहाँ पे 4 या 5 तक यहाँ पे जा सकता है फाइनल। ईडब्ल्यूएस का दूसरा कट ऑफ यहाँ पे 116 गया, 116 गया है तो फाइनल आपको बता दूं यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जा सकता है 125-26 तक। बिहार का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे तीसरा जो कट ऑफ है 106 का है, 106 का फाइनल आपका जा सकता है 112-113 तक, 112-113 तक। बिहार का आपको बता दूं यहाँ पे 71 का गया है, 71 का गया है और फाइनल आपका जा सकता है 75-76 तक। यहाँ पे एससी का यहाँ पे दूसरा जो कटअप है बिहार का 97 का गया है, फाइनल आपका जाएगा 105 तक।
और यहाँ पे एस सी का नेक्स्ट जो कट ऑफ है 81 का गया है, फाइनल आपका 85-86 यहाँ पे जा सकता है। बिहार का जो आपका कट ऑफ है 110 है, तो फाइनल आपका 113-114 तक जा सकता है। एस टी का यहाँ पे 115 है और लास्ट आपका 120 तक यहाँ पे जा सकता है। एस टी का अगला कट ऑफ यहाँ पे 108 का है और फाइनल आपका 112-113 तक यहाँ पे जा सकता है। ई एस एम का 37-37 का है और फाइनल आपका 38-39 का ही रहेगा। ESM का दूसरा जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 32 का गया है, फाइनल आपका 35-36 तक यहाँ पे जाएगा। तीसरा आपका 33 का गया है ESM का, वो यहाँ पे आपका जाएगा लगभग, मैं आपको बता दूँ 36 तक जा सकता है। OBC का यहाँ पे 99 है, ठीक है, तो फाइनल में आपको बता दूँ यहाँ पे 99 OBC का, और फाइनल जो आपका कट ऑफ है बिहार वालों का OBC का वो यहाँ पे जाएगा 105 तक, 105 तक यहाँ पे जाएगा। OBC का अगला कट ऑफ 117 है तो यहाँ पे जे जाएगा 125 तक, 125 तक यहाँ पे जाएगा। OBC का अगला जो कट ऑफ है 108 का है और फाइनल में आपको बता दूँ यहाँ पे जाएगा 114-115 तक यहाँ पे आपका चला जाएगा। UR का यहाँ पे बिहार में 103 का है और फाइनल आपको बता दूँ 110-111 जाएगा। UR का अगला 121 का है, फाइनल आपका 130-131 जाएगा। UR का अगला 112 का है और फाइनल आपका 122-123 तक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब बात कर लो चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ का यहाँ पे SC का यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 66 का है, 68 फाइनल जाएगा। ESM का 47 है, 47 ही रहेगा। OBC का 69 है, 71 तक जाएगा। UR का यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 91 है, 93 तक यहाँ पे जाएगा। EWS का यहाँ पे 40 का है और फाइनल आपको बता दूँ 43-44 का जाएगा। EWS का नेक्स्ट जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 40 का है, वो यहाँ पे जे भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 42-43 तक यहाँ पे रहेगा। आगे यहाँ पे बात कर लो SC की, तो यहाँ पे 81 है और फाइनल आपका रहेगा 85 तक। और SC का जो दूसरा कट ऑफ है वो यहाँ पे है इनका 40 का, तो फाइनल आपका रहेगा 43-44 तक। ST का यहाँ पे कटअप जो है यहाँ पे चंडीगढ़ में वो यहाँ पे है 40 का और फाइनल में आपको बता दूँ जे जो आपका जाएगा, जे जाएगा 47 तक आपका जा सकता, सॉरी आपको बता दूँ यहाँ पे SC का जो कट, सॉरी ST का जो कट ऑफ है 81 का है और फाइनल जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पे 85-86 तक यहाँ पे जाएगा। ST का अगला जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 69-69 का है और फाइनल आपका 75 तक जा सकता है। ESM का यहाँ पे 36 है और फाइनल में आपको बता दूँ यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे फाइनल आपका जो बनेगा तो आपका यहाँ पे बनेगा 38 तक। ESM का 32 है, 32 ही रहेगा। OBC का 94 है तो फाइनल आपका यहाँ पे 96-97 तक रहेगा। OBC का नेक्स्ट जो कट ऑफ है 69 का है और 73 तक फाइनल जाएगा। UR का यहाँ पे 93 है और फाइनल आपको बता दूँ यहाँ पे कम से कम भी जो आपका फाइनल है यहाँ पे जाएगा 93 से बढ़ के 97-98 तक। UR का अगला जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 71 का है और फाइनल आपका 78 तक जाएगा। दर्दर नगर हवेली का यहाँ पे ST का 50 का है और फाइनल 51 तक रहेगा। UR का यहाँ पे दर्दर नगर हवेली में 50 का है, 50 का और फाइनल आपको बता दूँ 52 रहेगा। तो यहाँ पे मैं सभी कट ऑफ आपको जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी भाई लो लंबी हो सकती है, देखिए मैं पूरा डिटेल में जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ना वो आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यार दिल्ली का जो कट ऑफ है जो यहाँ पे आपकी कैटेगरी बताई गई है उससे आप 2-3 नंबर ऊपर लेके चल सकते हैं। दिल्ली का यहाँ पे EWS का 104 का है, ठीक है, 104 का और 108 तक यहाँ पे फाइनल रहेगा। SC का यहाँ पे 107, 107 का, 110-111 तक रहेगा। ST का यहाँ पे 94-94 का है और फाइनल आपका 96-97 तक रहेगा। ESM का आपका 33 का है और फाइनल आपको बता दूं यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे 35। OBC का यहाँ पे 108 है, 108 है, फाइनल आपका 112-113 तक रहेगा। UR का यहाँ पे 114 का है, ठीक है, 114 का 120 तक, 120 तक यहाँ पे फाइनल जा सकता है। गोवा का ST का यहाँ पे 38 है, 38 रहेगा। OBC का यहाँ पे 40 है, 41 रहेगा। UR का यहाँ पे 48 है और 50 रहेगा। अब बात करूँ यहाँ पे गुजरात की, EWS का यहाँ पे गया है 58 और फाइनल आपका 61 तक रहेगा। EWS का दूसरा कट ऑफ गुजरात में 69 का गया है, फाइनल आपका 72 तक यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे गुजरात की आगे बात करूँ यहाँ पे SC के यहाँ पे 62 का गया है और फाइनल आपका 65 तक रहेगा। SC की यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे दूसरे कट ऑफ की गुजरात की, तो यहाँ पे 74 गया है और फाइनल आपका 77-78 रहेगा। और यहाँ पे ST की बात करूँ 45 का गया है और फाइनल जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पे ST का मैं आपको बता दूँ लगभग यहाँ पे रहेगा आपका 45 है, तो आपका 49-50 तक जाएगा, ठीक है। ST का अगला जो कट ऑफ है 67 का है, 74-75 तक यहाँ पे जाएगा। ESM का जो कट ऑफ है 33 का है, 35 रहेगा फाइनल। OBC का यहाँ पे 61 है, फाइनल 65 रहेगा। OBC का नेक्स्ट कट ऑफ यहाँ पे 75 है, फाइनल आपका 80 या 81 रहेगा। UR का यहाँ पे
देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे 70 है और फाइनल आपका 74-75 रहेगा। यूआर का जो नेक्स्ट कट ऑफ है यहाँ पे वो 83 का गया है, 90-91 रहेगा यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। अब बात कर लूँ यहाँ पे हरियाणा की, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 126 गया है, फाइनल आपका 131-132 तक जाएगा। एससी की यहाँ पे बात कर लूँ 113 का गया है, फाइनल आपका यहाँ पे 113 से बढ़ के 118 तक यहाँ पे रहेगा। ईएसएम की बात कर लो 32 का गया है, फाइनल आपका यहाँ पे 34-35 तक रहेगा। ओबीसी की बात कर लो यहाँ पे 124-124 गया है और फाइनल आपका 130-131 रहेगा। यूआर का यहाँ पे 128 गया है, फाइनल आपका 135 तक रहेगा। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश की अब बात कर लो, हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का 103 गया है, 108 तक यहाँ पे, 109 तक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रहेगा हिमाचल प्रदेश में। एससी का यहाँ पे 99 का गया है, 105 ठीक है, सॉरी 104-105 तक रहेगा, 104-105 तक यहाँ पे रहेगा। एसटी का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 74 का गया है, 75-76 फाइनल रहेगा। एसटी का यहाँ पे कट ऑफ 109 गया है, 109 गया है, फाइनल आपका 112-113 रहेगा। ईएसएम का यहाँ पे 32 है, फाइनल आपका 35 रहेगा। ओबीसी का यहाँ पे 106 से 106 है और फाइनल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 110-111 रहेगा। यूआर का यहाँ पे 48 का है, फाइनल आपको बता दूं यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे 51-52 तक यह रहेगा। यूआर का दूसरा जो कट ऑफ है जनरल वालों का 114 का है, फाइनल 120 तक जाएगा। आप बात कर लो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 61-61 का गया है, 61 का तो फाइनल आपका 65-66 तक यहाँ पे जाएगा ठीक है। 4-5 नंबर ही बढ़ेंगे फाइनल में, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस का दूसरा जो कट ऑफ है जम्मू कश्मीर में वो 64 का गया है, 64 का गया है तो फाइनल में आपको बता दूँ यहाँ पे 68-69 तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एससी का जो कट ऑफ है 67 का है, फाइनल आपका 70-71 रहेगा। एससी का दूसरा जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 69 का है, 74-75 तक यहाँ पे जाएगा। एसटी के कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पे 52 का है और फाइनल आपका यहाँ पे जाएगा 52 से बढ़ के 55 तक। एसटी का जो दूसरा कट ऑफ है 53 है, इससे बढ़ के यहाँ पे जाएगा 58 तक। जम्मू कश्मीर के यहाँ पे ईएसएम के कट ऑफ की बात करूँ 32 है, 35 तक जाएगा। ओबीसी का यहाँ पे 46 है, बढ़ के यहाँ पे 52-53 तक यहाँ पे जा सकता है। ओबीसी का यहाँ पे नेक्स्ट जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 51 का है जम्मू कश्मीर में, जे बढ़ के आपका 56-57 तक यहाँ पे जा सकता है। जम्मू कश्मीर में यूआर का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 72 का है और फाइनल आपका 77-78 तक यहाँ पे जाएगा। जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट जो कट ऑफ है यहाँ पे यूआर का वो यहाँ पे 77 का है और फाइनल जो कट ऑफ है आपका वो यहाँ पे 82-83-84-85 यही आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे रहेगा। तो बाकी आप सभी यार देख सकते हैं जो भी कट ऑफ है ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम पे ये लिस्ट चाहिए तो हमें वीडियो के नीचे जेस करके कमेंट जरूर करिएगा। तो बाकी मैं आपको बता दूँ जो भी यहाँ पे राज्य है जिनके यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उससे 3 या 4 नंबर आपके ऊपर जाएंगे ठीक है, मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर आगे बढ़ेंगे आपके फाइनल कट ऑफ में, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ये रही यहाँ पे फाइनल कट ऑफ के बारे में एसएससी जीडी के पूरी जानकारी। तो बाकी मैं आपको बता दूं भारत के हर एक राज्य में कम से कम 5 से 7 नंबर जो हैं वो यहाँ पे ऊपर रहेंगे, जो आपका कट ऑफ है इस समय, जो आपका कट ऑफ यहाँ पे आया हुआ है इससे ऊपर आपके फाइनल रिजल्ट में 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर बता दूँ। बाकी आप सबके कितने नंबर हैं, आपकी कौन सी स्टेट है, आप भारत के किस राज्य से हो, हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका राज्य का नाम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके नंबर कितने हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल सही न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद जय भारत।